हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए आई मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने आई बेस लगाया हुआ है वाइट कलर का। आप देखिए, आई बेस काफ़ी अच्छा मेकअप होने वाला है। आप आगे देखते रहिए, मेकअप को एंजॉय कीजिए और सीखिए। इसके बाद मैंने लगाया है हाइलाइटर, आई हाइलाइटर वाइट कलर का। आप देखिए, मेरा मेकअप जब कंप्लीट होगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा। और आप लोग मेरा मेकअप इसी तरह से देखते रहिए। और अब मैं लगा रही हूँ ब्राउन आई शेडो, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन क्रिस लाइन, मतलब दिखाने के लिए ऊपर अच्छा लगता है। आप उसके बाद मैंने लिया है ग्रीन, लाइट ग्रीन क्रिस लाइन बनाने के लिए। आप देखिए कि इसको ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप धीरे धीरे आराम आराम से इसकी ब्लेंडिंग अच्छी करिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आई मेकअप आता आएगा। यहाँ पे मैंने जो ऊपर हाईलाइट करने के लिए लगाया था आईज पे, वही कॉर्नर पे भी लगाया है। उसके बाद मैं हेलो आईज कर रही हूँ तो लगाया हुआ है। उसके बाद में आप देखिए, मैंने ग्रीन से ही इनकी आज हेलो आईज रेडी कर रही हूँ। तो इनके दोनों कॉर्नर पे मैंने ग्रीन आई शेडो किया हुआ है। उसके बाद मैंने वेलवेटी शिमर लिया था। शिमर लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर मैं ग्लिटरी, हल्का ग्लिटरी आई मेकअप कर रही हूँ। उन्होंने कहा था बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ग्लिटरी आई। फिर वही आई शेडो जो मैंने ऊपर आई पे लगाया था वो नीचे आई में भी लगाना है। आप उसको लगाइए, उससे आंखें अच्छी लगती हैं और ज़्यादा निखर के आती हैं। ये मेरा लाइनर है, लाइनर जेल लाइनर है। और बीच में मेरे बेटे की आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है तो वह बीच बीच में बोलता ही रहता है कुछ ना कुछ। अभी वो आज जल्दी उठ गए हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने आई ग्लू लगाकर आई लेस रख दिया था 5-6 सेकेंड के लिए, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो जाए, जब तक आई ग्लू सही से चिपकने ना लगे। आप उसको सुखाइए। सुखाने के बाद में मैंने उसको लगाया है और काफ़ी अच्छा इनका लुक आया था, आप देखिए। उसके बाद में आप जो और इनकी ओरिजिनल पलकें हैं उनमें भी मस्कारा ज़रूर लगाएं। मस्कारा लगाएंगी तभी पता चलेगा उनकी आई लेस दिख रही है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।